नमस्कार, आप देख रहे हैं कलम न्यूज़। सुबह खबर चली और शाम को पुलिस अधीक्षक हनुमानगढ़ ने सदर थाना प्रभारी मान सिंह गुदारा को कर दिया है पुलिस लाइन में हाजिर। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार करने और महिला को थप्पड़ मारने का मामला आया था सामने और कलेक्टर हनुमानगढ़ को महिलाओं ने दिया था ज्ञापन। पहले आपको सदर थाना के विरुद्ध क्या आरोप लगाए गए थे महिलाओं के द्वारा, वह वीडियो सुनाते हैं, सुनिए। हम सदर थाने में गए, एप्लीकेशन देने गए तो सीआई के पेश हुए तो मेरा कागज फाड़ दिया और थप्पड़ थप्पड़ मारे, गाली गलौज भी दी मुझको, चार थप्पड़ मारे सीआई ने मुझको सदर थाने में, मान सिंह दारे ने आपके मारे। हाँ, ये मान सिंह गोदारा है, ये आए दिन लगभग महिलाओं पे अत्याचार कर रहा है, तीन चार मामले सामने आ गए हैं। देखो, जब ऐसे महिलाओं पे थप्पड़ मारने का तो कोई कानून ही नहीं बनता है अभी। कोई मान लो चाहे एसएचओ हो, चाहे सिंपल आदमी हो, कोई भी हो, वो कोई महिला को मार नहीं सकता। हालांकि एसपी हनुमानगढ़ के द्वारा विभागीय जाँच प्रस्तावित होने का हवाला देते हुए मान सिंह गुदारा सदर पुलिस थाना प्रभारी हनुमानगढ़ को लैन हाजिर किया गया है पर जो भी हो, लेकिन महिलाओं ने इसकी शिकायत कलेक्टर से जरूर की थी और थप्पड़ मारने और धक्के देकर थाने से बाहर भगाने का इन्होंने आरोप जरूर लगाया था। इसीलिए पुलिस अधीक्षक ने कहीं ना कहीं सदर पुलिस थाना प्रभारी मान सिंह गुदारा को पुलिस लाइन में हाजिर कर दिया गया है। कलम न्यूज के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।